महाराष्ट्र दौरे पर गए सीएम मोहन यादव ने एक बार फिर लाडली बहना योजना की तारीफ की है। मोहन यादव ने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लाडली बहना योजना काफी कारगर साबित हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने इस योजना को महाराष्ट्र में भी लागू किए जाने पर खुशी जताई। ये बहुत अच्छी योजना है और ये योजना कई राज्य अपना रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि हमारे महाराष्ट्र में भी इस योजना का प्रचार प्रसार हुआ और नारी सशक्तिकरण की दिशा में बड़ी उल्लेखनीय और ठोस योजना है, जिसमें सीधे सीधे व्यक्ति के हाथ में पैसे आते हैं, बहनों के हाथ में पैसा आए और बहनें अपने जीवन में हमेशा परिवार के लिए खर्च करती और स्त्री पुरुष सभी भेद मिटाकर सबको सशक्त बनाना यशस्वी प्रधानमंत्री के शासनकाल में राज्य सरकार का भी उत्तरदायित्व होना चाहिए और प्रदेश का भी, ये देश का भी। सीएम मोहन यादव ने पीएम मोदी को भी धन्यवाद दिया क्योंकि महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर पीएम मोदी ग्वालियर के गौशाला में सीएनजी प्लांट का उद्घाटन करेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यशस्वी प्रधानमंत्री कल महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर कई कार्यक्रम कर रहे हैं, उसमें मध्यप्रदेश में उल्लेखनीय रूप से ग्वालियर में गौशाला के आधार पर सीएनजी गैस प्लांट का वो लोकार्पण कर रहे हैं। हमने अपनी प्रदेश की सभी गौशालाओं को अच्छे बनाने का संकल्प बनाया है और जिसके माध्यम से गौशालाएं वर्तमान के समय में भी उपयोगी सिद्ध हो, खास करके सीएनजी गैस और अन्य अन्य उत्पाद से हम समाज जीवन में लाभान्वित हो, मेरी अपनी ओर से गौशाला के संचालकों को, नगर निगम ग्वालियर को, स्थानीय शासन मंत्रालय को, सबको बधाई। आपको बता दें कि सीएम मोहन यादव ने महाराष्ट्र के दौरे के दौरान कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, हैप्पी टक।